भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने इंदौर में शनिवार को खेले गए T20 वर्ल्ड कप के मैच में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से पराजित कर अपने अभियान का जीत से आगाज किया। ऑस्ट्रेलिया ने पहली बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 144 रन बनाए, जवाब में भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 147 रन बनाकर आसानी से मैच जीत लिया। खालसा स्टेडियम में ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच सुबह 9 बजे से शुरू हुआ। इस मैच में 100% दृष्टिहीन हैं, उन्हें चौका मारने पर 8 रन, छक्का मारने पर 12 रन मिलेंगे। इसी तरह कम दृष्टि बाधित की भी अलग अलग कैटेगरी है। मैच के लिए इंदौर पहुंची दोनों क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों और कोच से बातचीत की गई। इनमें ज्यादातर खिलाड़ी मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को अपना आदर्श मानते हैं। शनिवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया खालसा स्टेडियम पहुंचे। उन्होंने दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका हौसला अफजाई की। दीपक मलिक भारतीय टीम में ऑलराउंडर हैं, वे B3 कैटेगरी में हैं। वे बताते हैं कि टीम का कैंप अच्छा हुआ है व टीम काफी स्ट्रांग है। हम आज का मैच जीतेंगे क्योंकि जिस प्रकार टीम ने पूरी मेहनत के साथ प्रैक्टिस की है, तो उस लिहाज से हमें पूरा विश्वास है कि हम बहुत आगे तक जाएंगे। इसके पूर्व भारत का नेपाल से मैच हुआ था, जिसमें खुद भारत ने अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। भारत ने पहले 360 रन बनाए थे, जबकि अब 383 रन बनाए। हमने पहले भी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराया है, क्रिकेटर कैसे बने, इसे लेकर मलिक ने बताया कि मुझे 2004 में रॉकेट लग गया था। इसी कड़ी में मैं दिल्ली ब्लाइंड स्कूल गया था, तब मुझे वहां पता चला कि दृष्टिहीनों के लिए भी वर्ल्ड कप क्रिकेट आयोजित होता है। फिर यहीं से मेरी क्रिकेट में मेरी एंट्री हुई। मेरे सहित कई साथियों के आदर्श मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर हैं। उनके अनुशासन, धैर्य आदि को सीखने को मिलता है। क्रिकेट में बल्ले से जवाब कैसे देते हैं, यह उनसे ही सीखा। कैप्टन अजय रेड्डी ने बताया कि इस सीरीज के लिए तैयारियां 8 नवंबर से शुरू कर दी थी। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमें वर्ल्ड कप जीतना है। हर मैच में टारगेट यही रहता है कि हमें फाइनल तक पहुंचकर मुकाम हासिल करना है। इंदौर के लोग क्रिकेटर के काफी प्रशंसक हैं और हमेशा हौसला अफजाई करते हैं। पिछले साल इंग्लैंड से मैच के दौरान भी इंदौरियों ने हमें काफी हिम्मत दी। इस सीरीज में श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका सहित 16 टीमें भाग ले रही हैं। टीम में आधे से ज्यादा ऑलराउंडर हैं, सभी की फील्डिंग भी काफी अच्छी है। सरकार से हमें अच्छी मदद मिल रही है। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर रॉयन व लकुन सहित सभी खिलाड़ी इस मैच को लेकर काफी उत्साहित हैं। रॉयन ने कहा कि विश्वास है कि भारत की जमीन पर हम यह T20 वर्ल्ड कप सीरीज जीत कर जाएंगे। स्पर्धा के लिए आयोजन समिति भी गठित की गई है। इसमें चेयरमैन कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजाटी, अध्यक्ष डॉक्टर अनिल भंडारी, उपाध्यक्ष संजय जगदाले, मुक्तेश सिंह, आयोजन के सचिव डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा को, ऑर्डिनेटर अभय बेडेकर, सह सचिव डॉक्टर डी सिंघल व अमिताभ विजयवर्गीय शामिल हैं। इस मैच को सफल बनाने के लिए विभिन्न समितियों में विनय जैन, राजेश जैन, मोहित भार्गव सहित आदि लोग शामिल हुए। एक्चुअली मैं लेट ब्लाइंड हुआ था, तो मेरे को आइस में रॉकेट लग गया था। तो उसके बाद 2004 में मुझे रॉकेट लगा था, 2008 में मेरे को दिल्ली ब्लाइंड स्कूल आया था मैं, तो वहीं पे पता चला था कि ऐसे ब्लाइंड क्रिकेट होता है, तो मेरा स्टार्टिंग वहीं से हुई थी। मैक्सिमम पार्टली ऑलराउंडर्स बी वन दे आर यू नो फ्यू बेस्ट फील्डर्स लाइक बैट्समैन एंड बॉलर्स पार्सली में तो B2 B3 में मैक्सिमम ऑलराउंडर्स है 80%। And play for Australia. This is my first tournament, and I've only been playing cricket for about 7 years. There's no coffee. Oh no, Lockie. नमस्कार रीवा, मैं हूँ भानु पंडित और मैं हूँ अनीता भट्ट और हमारे यहाँ आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने, जिसका नाम है उड़ान शाम में गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए। और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें रीवा शहर आमंत्रित किया। So, see you all there.